कैसे हो आप सभी? बस देखो बच्चों, कल मैंने आपको हिंदी विषय के पाठ 5 राजा सजा सॉरी सजा जो कहानी है, इसके कठिन शब्द व शब्दार्थ करवाए थे। आज मैं आपको इसी पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न करवाने जा रहा हूं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, एक क्वेश्चन उसके 4 विकल्प हैं, उन चारों में से एक विकल्प जो है वो सही है, उसका सही उत्तर है, उसको आपको उस पर राइट का निशान, सही का निशान लगाना है। देखिए शुरू करते हैं पाठ 5 सजा बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, राजा शशांक के कितने बेटे थे? राजा शशांक के कितने बेटे थे? विकल्प देखे उत्तर में, 2, 3, 4, 5। इसका दूसरा जो विकल्प 3 है, 3 बेटे थे राजा शशांक के, दूसरा विकल्प सही है, 3। नेक्स्ट प्रश्न, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2, हिमसुख कितने दिन के लिए घर गया? हिमसुख कितने दिन के लिए घर गया? विकल्प देखिए उत्तर में, 10, 15, 18, 20। इसका उत्तर दूसरा जो विकल्प है, 15 दिन के लिए घर गया हिमसुख। इस पे ये हमारा राइट है, हिमसुख 15 दिन के लिए घर गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, महल में अमर फल को सबसे पहले किसने देखा? महल में अमर फल को सबसे पहले किसने देखा? उत्तर देखिए, विकल्प कोवे ने, अंगरक्षक ने, मुख्यमंत्री ने, राजा ने। इसका जो तीसरा विकल्प है, मुख्यमंत्री ने, ये सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न नंबर 4 है, अमर फल का टुकड़ा किसे खिलाया गया? अमर फल का टुकड़ा किसे खिलाया गया? विकल्प देखे उत्तर में, कौवे को, कुत्ते को, बाज को, दरबान को। तो इसका सही उत्तर है कौवे को, इस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ये 4 हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे जो मैंने अभी आपको करवाए, टिक द करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी फिर से एक बार देखिए, दोहराई करवाता हूँ, फिर से देखिए एक बार। प्रश्न पहला है, राजा शशांक के कितने बेटे थे?
अगला है, हिमसुख कितने दिन के लिए घर गया? 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हिमसुख घर गया। महल में अमरफल को सबसे पहले किसने देखा? मुख्यमंत्री ने, अमरफल को सबसे पहले मुख्यमंत्री ने देखा। अगला प्रश्न है, अमरफल का टुकड़ा किसे खिलाया गया? अमरफल का टुकड़ा किसे खिलाया गया? कौवे को, सबसे पहले अमरफल का टुकड़ा कौवे को खिलाया गया। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे जो मैंने अभी आपको करवाए। अभी आगे मैं आपको इसके मौखिक प्रश्न करवाऊंगा। ध्यान से देखें, समझें। टिक द करेक्ट क्वेश्चन वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको मौखिक प्रश्न करवा रहा हूं। मौखिक प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है, अवध का राजा कौन था? पहला प्रश्न है हमारा, अवध का राजा कौन था? उत्तर देखिए, राजा शशांक अवध का राजा था। राजा शशांक अवध का राजा था। प्रश्न नंबर दो देखिए, विदर्भ देश का राजा किससे सलाह लेता था? विदर्भ देश का राजा किससे सलाह लेता था? हिमसुक नाम के एक तोते से सलाह लेता था। विदर्भ देश का राजा हिमसुक नाम के एक तोते से सलाह लेता था। अगला प्रश्न नंबर तीन, कोटर में रखे फल को किसने कुतरा? कोटर में रखे फल को किसने कुतरा? उत्तर देखिए, कोटर में रखे फल को कोबरा सांप ने कुतरा। कोटर में रखे फल को कोबरा सांप ने कुतरा। अगला प्रश्न नंबर चार देखिए, विश्वासघात के नाम किसका वध कर दिया गया? विश्वासघात के नाम किसका वध कर दिया गया? उत्तर देखिए, विश्वासघात के नाम हिमसुक का वध कर दिया गया। विश्वासघात के नाम हिमसुक का वध कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पांच, हिमसुक कैसा फल लाया था? हिमसुक कैसा फल लाया था? उत्तर देखिए इसका, हिमसुक अमर फल लाया था। हिमसुक अमर फल लाया था। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर छह, हिमसुक कौन था? प्रश्न नंबर छह है, हिमसुक कौन था? नाम का एक तोता था। हिमसुक नाम का एक तोता था। देखिए बच्चों,
ये हमारे मौखिक प्रश्न मैंने अभी आपको करवाया, एक बार फिर से देखें, जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया वो फिर से देख ले, दोहराई करें। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, अवध का राजा कौन था? अवध का राजा कौन था? राजा शशांक अवध का राजा था। राजा शशांक अवध का राजा था। अगला है प्रश्न नंबर दो, विदर्भ देश का राजा किससे सलाह लेता था? विदर्भ देश का राजा किससे सलाह लेता था? विदर्भ देश का राजा हिमसुक नाम के एक तोते से सलाह लेता था। अगला प्रश्न है, क्वार्टर में रखे फल को किसने कुतरा? क्वार्टर में रखे फल को किसने कुतरा? क्वार्टर में रखे फल को कोबरा सांप ने कुतरा। क्वार्टर में रखे फल को कोबरा सांप ने कुतरा। प्रश्न नंबर चार है, विश्वासघात के नाम किसका वध कर दिया गया? विश्वासघात के नाम किसका वध कर दिया गया? विश्वासघात के नाम हिमशुक का वध कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमशुक कैसा फल लाया था? हिमशुक कैसा फल लाया था? हिमशुक अमर फल लाया था। हिमशुक कैसा फल लाया था? हिमशुक अमर फल लाया था। प्रश्न नंबर अगला देखिए, हिमशुक कौन था? हिमशुक नाम का एक तोता था। राजा के पास एक तोता था जिसका नाम था हिमशुक, पालतू तोता था राजा का। तो ये हमारे 6 प्रश्न थे जो मैंने अभी आपको करवाए। बड़े अच्छे तरीके से इनको आपने साफ कॉपी में लिखना है, सुंदर तरीके से, कोई लापरवाही नहीं करनी है, इनको याद भी करना है।